टाइम हो चुका है सुबह के 8:05 और बाहर का वेदर चेक करो भाई। दोपहर के 1:14 और पिछले 300 किलोमीटर से एक भी सिंगल होटल नहीं मिला इस रोड पे। टाइम हो चुका शाम के 5:20 एंड यहाँ से रह गया 270 किलोमीटर गुड़गांव। फाइनली वी आर एट दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। अपने को यहाँ से पता भी नहीं चलेगा अपने को दिल्ली पहुँचेंगे, तो 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बस गुड़गांव। 7:22 एंड यहाँ से रह गया सिर्फ 130 किलोमीटर रह गया यहाँ से गुड़गांव। एक दो उठने वाले 12 घंटे के अंदर अंदर अपन गुड़गांव। सामने कॉल है गुड़गांव भाई। हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। भाई अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:05 और बाहर का वेदर चेक करो भाई। लिटरली भाई बारिश चालू हो गई है सुबह। इतना प्यारा मौसम भाई, MP का इतना प्यारा मौसम, मतलब इतनी बारिश MP में पहली बार देख रहा हूँ मैं, दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ भाई। जितनी बार भी आऊँ ना यहाँ पे 40 से प्लस ही मिला मेरे को टेम्परेचर, 42-45। जो लास्ट टाइम हम वहाँ पे आए थे आशीष के साथ आए थे, उसके फैमिली के साथ, तो भाई यहाँ पे 48 डिग्री तक टेम्परेचर गया होता, 48-49। तो भाई अभी इतनी प्यारा मौसम हो रहा है भाई, बारिश यार लिटरली यार। तो भाई अभी प्लान कर रहे हैं दिल्ली निकलने के लिए यहाँ से, सो अभी बस उठ रहे हैं एंड उठ के निकलेंगे अब दिल्ली के लिए। चाय वाय पी लिए भाई के फ्रेश वर्श होने, सो अब यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि जितने मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह में करने थे सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे हम कल तक हम घूम घाम के आ चुके हैं। शॉपिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, बस अब यहाँ से निकलना है, कुछ रहा नहीं है भाई। कपड़े चेंज करे नहीं है कपड़े, हम 2-3 टी शर्ट ले गए थे, अपने को पता नहीं था यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया, तो भाई इसी में पहन के चलेंगे। तो ठीक है भाई, करते हैं चलने की तैयारी और ब्लॉग को करते हैं शुरू। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल द मैरून व्हील्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और ब्लॉग के अंदर। सो आज है day 4, दिल्ली से रहने वाला उज्जैन से रहने वाला है दिल्ली वाया मुंबई एक्सप्रेस वे। सो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हमारी जर्नी। उस दिन तो रात रात में आए थे तो आप देख नहीं पाए थे, लेकिन आज हमने इसलिए डिसाइड किया था कि सुबह निकलेंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। सो बी रेडी गाइज, चैनल पर बने रहो, हम आगे मिलते हैं आपको। ठीक है, सो ठीक है चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, आपको मिलते हैं, बाय बाय। सो भाई राइट नाउ टाइम हो चुका है सुबह के 9:34। अभी बस 15-20 मिनट पहले अपने होटल से निकले थे एंड अब निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। भाई मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, अभी आपने जैसे देखा सामने का व्यू, भाई बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है यार लिटरली। और भाई इतने प्यारे दर्शन हुए ना सारे भगवान के, सबके प्रसाद ले लिए, सबके दर्शन हो गए बढ़िया। बस जैसे हम आए थे बढ़िया तरीके से वैसे ही चले जाएँ, भोले बाबा कृपा करें। और सब भाई मज़ेदार मौसम हो रहा है, ब्रेकफास्ट अभी करा नहीं है किसी ने भी, अब रुकेंगे जहाँ पे भी वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे निकलेंगे। सो अभी टाइम दिखा रहा पहुँचने का हमारा 10:47, जो कि टाइम दिखा रहा रात को 8:21 का हम पहुँचेंगे गुड़गांव, उसके वहाँ से निकलेंगे दिल्ली। सो भाई ठीक है अभी चलते हैं और आप लोग मौसम का इन्जॉय करो, तब तक सिनेमेटिक इन्जॉय करो। ठीक है चलो बाय बाय। चेक कर रहे हो भाई क्या प्यारा व्यू MP का यार, ये व्यू ना ट्रेन से नहीं दिख सकता था हमको, इसलिए हम अपनी गाड़ी से आए हैं। ट्रेन से वो मजा आता ही नहीं हमें, अब व्यू एंजॉय करो एक बार यार। तो भाई अभी टाइम हो चुका है दोपहर के, टाइम क्या हो गया भाई दोपहर के, एक सेकंड रुको,
दोपहर के 1:14 और पिछले 300 किलोमीटर से एक भी सिंगल होटल नहीं मिला इस रोड पे। मजबूरन हमें रुकना पड़ा यहाँ पे, ये जो ढाबे होते हैं इन जैसे ढाबों पे रुकना पड़ रहा भाई। पूरे हाईवे पे एमपी से निकल के राजस्थान में आ गए, राजस्थान के अंदर भी कम से कम 100-120 किलोमीटर आ गए पर कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। और यहाँ पर भी 2-3 लाइन से बना रखे हैं ऐसे ढाबे कुछ, ये 200-300 किलोमीटर कुछ है ही नहीं भाई यहाँ पे। तो गाड़ी वाल देखो कैसा हो गया अपने का, पूरे पे एकदम मट्टी मट्टी हो गए, आगे से साफ सुथरे पीछे से मट्टी में। अब यहाँ बैठते कुछ खाते पीते लंच करेंगे, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सो ब्रेकफास्ट करने दोनों इकट्ठा हो जाएगा एंड फिर चलेंगे यहाँ से। सो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको। One hour later. भाई ब्रिज देखो, रात को इसी ब्रिज से आए थे, रात को आपने देखा नहीं होगा ये ब्रिज भाई साहब, एक नंबर रात को दिखाया था लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रही थी रात को इतनी। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, रात को दिखाया था मैंने, नहीं दिखाया था। सो भाई राइट नाउ टाइम हो चुका है, देख सकते हो आपको, रुको मैं आपको बता दूँ एक सेकेंड। हाँ भाई टाइम हो चुका है शाम के 5:20 एंड यहाँ से रह गया 270 किलोमीटर गुड़गांव। यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे है 9.7 किलोमीटर, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। अभी हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए, सोचा एक बार चाय वाय पी लेते हैं सारे रुक के, और यहाँ का व्यू देखो जहाँ हम रुके हैं भाई, पीछे लेटे हैं आराम से बैठे हुए खाट वाट डाल के, ये देखो पीछे का व्यू पूरी ग्रीनरी भाई, एक नंबर बढ़िया एकदम भाई। उधर है टंकी उंकी लगा रखी है उन्होंने, इधर अपना शाम को आराम से बैठो, बढ़िया भाई अलग ही व्यू है, अलग ही खतरनाक। अब चाय वाय पियेंगे उसके बाद 270 किलोमीटर आ रहा है वो चलाएंगे। और सो भाई फाइनली वी आर एट दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे, रात में तो आप लोग देख नहीं पाए थे भाई, इधर दिखा दे मुझे मेरी तरफ एक बार, कैमरामैन कैसा है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, रात को तो आपको दिखाई नहीं पाए थे उस दिन, रात को आए थे इस रूट से। अभी आप चेक करो यहाँ से स्टार्ट होता है और एग्जैक्ट 250 किलोमीटर यहाँ से गुड़गांव है। चलो ये देखो भाई, अब देखो आप कैसा स्टार्ट हो रहा है रूट, सीधे चला जाएगा मुंबई और इधर से अपन जाएंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली गुड़गांव पूरा इधर ही निकल रहा है, ये निकलेगा सोना सोना रोड पे और ये आते खत्म होता है आपका यहाँ पे। कौन सी जगह ये आपको बताता हूँ, ये है लाल सोट, वहां से चढ़ेगा सोना रोड से और ये लाल सोट में आके खत्म होएगा। 5 लेन का हाईवे बनाया भाई सिंगल साइड में, यानी कि 10 लाइन का टोटल पूरा चौड़ा हाईवे है ये, और स्पीड लिमिट भी 120 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है इस पे, बट अपन चलेंगे 80-90 क्योंकि अपने को एवरेज भी निकालनी है, 120 चलाएंगे तो अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे सोना रोड। अब देखो यहाँ से पता भी नहीं चलेगा अपने को कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बस गुड़गांव यहाँ से, मतलब ये लगा लो जयपुर के ऑलमोस्ट पास में ही जगह लाल कोट बराबर 1 किलोमीटर में, नहीं दीदा कमी है पूरी है। अभी यहाँ से कितना बता रहा है 247 हाँ, तो गुड़गांव से जयपुर 250 किलोमीटर। अच्छा हाँ, तो हमारे घर से बस ये है कि ये थोड़ा घुमाव में लागे इधर दे रखता है। तो भाई सबसे पहले आपको मैं टाइम बता रहा हूँ, टाइम हो चुका है शाम के 7:22 एंड यहाँ से रह गया सिर्फ 130 किलोमीटर रह गया यहाँ से गुड़गांव। सोचा थोड़ा ड्रिंक वगैरह ले लीजा, सब अभी ले ली पेप्सी, उधर लेंगे अपनी आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम ले रही दीदी, कौन सी वाली पसंद आई, राजभोग बना दो भैया, राजभोग कस्टोक बना दो, वाह जी वाह। अब लेते हैं फटाफट जीजा को, देखें जीजा के पेट में गर्मी बढ़ रही है, अपन तो लेंगे आप नहीं लोगे कुछ, या इसमें कर लो दोनों, तो वही तो पूछ रहे हैं हम, तो कोल्ड कॉफ़ी लेने वाले थे, फिर हमने तो ये ले ली, एक पेप्सी ले लें आपकी भी, यही लोगे यही बना दो भैया एक और। मौसम देखो यार कितना प्यारा हो रहा है,
पिछले 100 किलोमीटर से कंटिन्यू आ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो यहाँ रुक गए थे रेस्ट वेस्ट करने के लिए। ये बना हुआ था अपना, ये खड़ी अपनी गाड़ी है, अब जाके वहाँ फ्रेश व्रेश होकर आ गए। जो बंदे जाने थे अपने को तो वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाके आए, अब सीधा चलते गुड़गांव और वहीं रुकेंगे सीधा, और फिर वहाँ से निकलेंगे अपना घर दिल्ली के लिए। ठीक है, सो भाई टाइम हो चुका है 8:54 एंड 8:54 9 बजने वाले हैं भाई। सुबह 9 बजे निकले थे अपना होटल से जहाँ से हमने चेकआउट किया था उज्जैन से, और भाई 9 बजने वाले हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर अपन गुड़गांव। ये सामने टोल है गुड़गांव भाई, फाइनली भाई पहुँच के 12 घंटे, जिसमें हमने 2-3 ब्रेक भी लिए, एक ब्रेक लिया था 1 घंटे का। सो भाई ये भी अपना आज रिकॉर्ड बन गया, यस 800 किलोमीटर चलाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी आज। सुबह चले थे 9 बजे, रात के 9 बजे सीधा सामने चेक करो तुम। ये भाई टोल प्लाजा है जो हमने आपको रात को दिखाया था उस दिन, देखो 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 ध्यान से देखो। Later. So, भाई अभी टाइम हो चुका है 11:42, ये देख सकते हो आप 11:42 12 बजने वाले हैं। और भाई कहा हमने लगा हुआ गंदे वाला ट्रैफिक गुड़गांव के अंदर, भयंकर वाला ट्रैफिक। अभी यहाँ से दिखा रहा पूरा 39 किलोमीटर एंड पहुँचने का टाइम है 1 बजे का। सो भाई अभी टाइम लग जाएगा अपने को, 1 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते घर पे रात के, हालत हो गई ख़राब। अब बैठ गया ड्राइविंग सीट पर गणेश भाई, मैंने कहा भाई तुम चलाओ, अपन तो भाई थक गए, अब 800 किलोमीटर चला कर आए कंटिन्यू। सुबह चले थे 9 बजे और 9:15 हम पहुँच गए थे गुड़गांव, जो हमारी जीजी का ससुराल है वहाँ, वहाँ खाना पीना खा के वहाँ से निकल गए थे अब 11:30 और अभी 11:30 निकल गए थे, आधा पौन घंटा हो गया निकले हुए। सो भाई ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ओप करते हैं सीरीज़ को, आपको मज़ा आया होगा 4 दिन की सीरीज़ में, उसमें आपको 2 दिन तो घूमने को मिला और 2 दिन आपको सिर्फ ट्रैवल देखने को मिला। तो भाई ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ऑफ करते हैं, आपको पसंद आए भी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। सो ठीक है भाई, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। नेक्स्ट राइड पे हमारी संडे राइड देखना ना भूलना, अभी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।